बड़ा ही अच्छा भाषण दे रहे थे। मैं बड़ा एक एक शब्दों का जो चयन कर रहे थे उसको मैं ग्रहण कर रहा था। अध्यक्ष महोदय माननीय अध्यक्ष महोदय, कल झारखंड सरकार का तीसरी बार बजट माननीय मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने पेश किया अध्यक्ष महोदय, और इन्होंने बजट पेश करते हुए अध्यक्ष महोदय इन्होंने कौटिल्य का इन्होंने उदाहरण दिया। अध्यक्ष महोदय, प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजानां तु हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्यम प्रजानां तु प्रियम हितम, यानी प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है, बाकी बाल बाकी जो है ये आपको किताब में दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहीं से नोट किया हूँ अध्यक्ष महोदय। लेकिन वित्त मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, राजा की संज्ञा आप किसे दे रहे हैं? ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। आप लोकतंत्र में जो परिभाषा दे रहे हैं सटीक नहीं बढ़ता अध्यक्ष महोदय, और इसके लिए आपको आपकी सरकार को देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए, जो उन्होंने कहा कि मैं तो प्रधान सेवक हूं। और इसीलिए अध्यक्ष महोदय, किसी ने कहा है राजशाही खत्म हो गई पर नहीं गए युवराज, अपनी कुर्सी पर यूं इतराते करते बहुत ही नाज, इनकी नाकामी का अक्सर गिरता दूसरों पर गाज, लोकतंत्र और राजतंत्र का जटिल है बहुत राज। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 2019 में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बन रही थी तो लोगों को लगा था एक नौजवान मुख्यमंत्री बना, लेकिन उस नौजवान मुख्यमंत्री का पिछला 14 महीने का कार्यकाल भी देख चुका था अध्यक्ष महोदय। नारा हर जगह मैं सुनता था, मैं सोचता था इसका अर्थ क्या होता है। मैं भी छोटा नागपुर वासी हूं अध्यक्ष महोदय, झारखंड वासी हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन अध्यक्ष महोदय, लेकिन पलामू का होने के कारण हमको झारखंडी नहीं मानता है। अच्छा, पीछे से कोई बोल रहा है दिक्कू है अध्यक्ष महोदय, चलिए आपके मुंह में घी शक्कर। तो मैं सुनता था अबुआ दिशोम अबुआ राज। हमारे पड़ोस में अभी माननीय मंत्री जी, हमारा सौभाग्य है कि मैं दो मंत्रियों के बीच में हुए थे महोदय, एक माननीय मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी हैं और दूसरे माननीय मंत्री हफीजुल अंसारी जी हैं। तो मैं आते जाते पढ़ता हूँ, हफीजुल अंसारी जी के दीवार पर लिखा हुआ है अबुआ दिशोम अबुआ राज। सच्चाई में अध्यक्ष महोदय, अबुआ दिशोम अबुआ राज नहीं है, बल्कि अबुआ दिशोम बबुआ राज है अध्यक्ष महोदय। अब मैं आगे की ओर बढ़ते हैं अध्यक्ष महोदय, अभी चर्चा कर रहे थे। अच्छा, बार बार जब यहाँ चर्चा होती है अध्यक्ष महोदय, तो बार बार कहेंगे भाजपा वाले 20 साल रहे, ये भूल जाते हैं कि गुरु जी से लेकर हेमंत सोरेन जी तक 5 बार सरकार बनाने का काम किया, उस सरकार में भी रहने का काम किया, और यही लोग का तो समय था अध्यक्ष महोदय, एक निर्दलीय माननीय मधु कोड़ा जी को बनाकर इस झारखंड का कैसा सर्वनाश किया,
मैं समझता हूं सब लोग जानते हैं, लेकिन अभी हमारे पूर्व वक्ता नहीं जानते हैं सो बात नहीं है। मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा, पहाड़ वगैरह की चर्चा बाद में करूंगा अध्यक्ष में। लेकिन हम लोगों ने, झारखंड की जनता ने सोचा था अध्यक्ष महोदय कि हमने तो चांद तारों की तमन्ना की थी, हम लोगों ने चांद तारों की तमन्ना की थी, लेकिन हमें तो रातों के सिवा कुछ न मिला अध्यक्ष महोदय। अभी बजट पेश हो रहा है अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात मानना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए देना चाहता हूँ। हम सबसे बढ़िया हैं, हर दृष्टि से बढ़िया है अध्यक्ष महोदय, लेकिन खड़ा होकर पता नहीं कितना पेज है ये, 36 पेज को अध्यक्ष महोदय एक घूंट पानी पीकर इन्होंने पढ़ दिया अध्यक्ष महोदय। काबिलियत तो है, अब काबिलियत छिपता नहीं है अध्यक्ष महोदय, अच्छी बात। लेकिन आज क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय, सरकार कर क्या रही है? अभी आपने पढ़ा होगा कि मोराबादी में एक व्यक्ति ने फांसी लगा लिया, शाम को 6:30 बजे जहां भीड़ भाड़ रहता है अध्यक्ष महोदय, पेट्रोल कार नंबर 1257 घूमती रहती है अध्यक्ष महोदय। और कहा जाता है, कहा नहीं जाता है, सच्चाई है कि बड़े बड़े रसूख वाले अधिकारी मुख्य सचिव से लेकर एसएसपी से लेकर डीसी से लेकर सिटी एसपी से लेकर ग्रामीण एसपी से लेकर हमारे भाई बंधु तिर्की जी का भी आवास से लेकर सारे लोग वहीं रहते हैं अध्यक्ष महोदय। वहां दिन दहाड़े गोली चल जाती है अध्यक्ष महोदय, दिन दहाड़े गोली चल जाती है और एक मारा जाता है अध्यक्ष महोदय। लेकिन उसका गाज किस पर गिरता है अध्यक्ष महोदय? मोरवादी मैदान में दुकान लगाने वाले बेरोजगार नौजवान। वो बेरोजगार नौजवान कौन है अध्यक्ष महोदय? अब पता कीजिए, मैं गलत बोल रहा हूं तो जो सजा देना दीजिए। हमारे ही क्षेत्र करमटोली है बगल में, मोराबादी के बगल में करमटोली है अध्यक्ष महोदय, मुंडा फैमिली, दो बहने हैं, दोनों बीटेक पढ़े हुए अध्यक्ष महोदय, और वहां कूलर चाय बेचते हैं अध्यक्ष महोदय, मुझे चाय पीने का अवसर प्राप्त हुआ अध्यक्ष महोदय। सारे उसी क्षेत्र के रहने वाले हमारे नौजवान हैं जो झारखंडी है अध्यक्ष महोदय, उनको हटा दिया जाता है अध्यक्ष महोदय। उसी का दुष्परिणाम होता है कि आर्थिक तंगी के कारण उसका पिताजी फांसी लगा लेता है। मोराबादी मैदान को उजाड़ा जा रहा है, कभी अपर बाजार को नोटिस दिया जाता है। अभी राजेश कच्छप जी को पता होगा शायद, दलीय बंधन के कारण ये नहीं बोले, नामकुम में आदिवासी लोगों के घरों को नोटिस दिया गया है। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो बोल दे उठ करके कि गलत बोल रहा है। ये जहां तहां अध्यक्ष महोदय नोटिस दिया जा रहा है। इस प्रकार से सभी को काम करने के बजाय तोड़ने का काम हो रहा है अध्यक्ष महोदय। कहा गया है अध्यक्ष महोदय, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, आपको तरस नहीं आती बस्तियां जलाने में? लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, आपको तरस नहीं आती बस्तियां जलाने में? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के दिन क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय? आज के दिन सरकार की उपलब्धि भाषा विवाद, ये सरकार की उपलब्धि है अध्यक्ष महोदय, भाषा विवाद, मॉब लिंचिंग की घटना। इसी सदन में पिछली बार मॉब लिंचिंग का पास किया था आपने, घटनाएं बढ़ गई अध्यक्ष महोदय। रुपेश पांडे से लेकर संजू प्रधान से लेकर सारी की बात हो रही है अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार इस राज्य में
जरा हृदय पर हाथ रख के बोलिए, अभी चर्चा उससे आप कर रहे थे, भ्रष्टाचार की तो प्रकाष्ठा है अध्यक्ष महोदय। मैं चाहूं अध्यक्ष महोदय, एक एक अधिकारी का जन्म कुंडली यहां निकाल के रख सकता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैंने निर्णय, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कहीं नहीं कह रहा कि हमारे सब, एक मिनट सुन लीजिए ना, प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के बोलो, एक मिनट सुन लीजिए, मैं कभी नहीं कहा कि हमारे समय में बिल्कुल राम राज था। मैंने कहा क्या? मैंने नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है अध्यक्ष महोदय। जिस अधिकारी से बात कीजिए वो कहता है क्या करें, हम इतना दे के आए तो जन सेवा करने के लिए पैसा दे के अध्यक्ष महोदय, उतना तो वसूलेगा ना। और आप भी जानते हैं अध्यक्ष, ऐसा थोड़ा है कि आप कोई मंगल ग्रह से तो आए नहीं अध्यक्ष महोदय, आप भी विधायक ही थे, आपको भी सब पता होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे सुनिए बैठिए ना, इसके बाद आपका भाषण होगा, इसके बाद ही आप जवाब देंगे, सब लिख के रखिए, कल लिख के रखे। भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के वितरण में राज्य सरकार द्वारा गड़बड़ी और घोटाला, जेपीएससी भर्ती घोटाला। वैसे जेपीएससी के अध्यक्ष 1932 के खतियानी नहीं है। बालू का अवैध उत्खनन, एक बार मैं तारा पीट जा रहा था अध्यक्ष महोदय, गाड़ी ऐसे ऐसे कर रहा था, संथाल के लोग आते हैं, सब पहाड़ जो है सो अवैध उत्खनन हो रहा है अध्यक्ष महोदय। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसी क्षेत्र से आते हैं अध्यक्ष महोदय, आप भी संथाल परगना क्षेत्र से आते हैं, सारे लोग यहां पर आते हैं अध्यक्ष महोदय। मनरेगा भुगतान में भ्रष्टाचार अध्यक्ष महोदय, और ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, मैं उस पर कुछ नहीं ज्यादा कह रहा। कानून व्यवस्था की स्थिति सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय, मर्डर 3451, दुष्कर्म 3154, लूट 1200, अपहरण 42 प्लस, नक्सली वारदात 578, डकैती 197, डाइन के नाम पर हत्याएं 41, कई भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या अध्यक्ष महोदय। देश का हत्या औसत है अध्यक्ष महोदय 2.2, पूरे देश का हत्या औसत है 2.2 और झारखंड में है 5.7 अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जज उत्तम आनंद से हो, रूपा तिर्की हो, लालजी यादव हत्याकांड से लेकर रूपेश पांडे की निर्मम हत्या तक की बात कर रहा था। अब मैं आता हूं थोड़ा स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सेवा का क्या हाल है? कोविड काल के समय राज्य सरकारें पूरी तरह विफल रही, झारखंड टीकाकरण में पीछे, ब्लड बैंक हर जिले में खोलना था वो वादा खोखला साबित हुआ अध्यक्ष महोदय। मृत स्वास्थ्य कर्मी, कोरोना काल में मृत स्वास्थ्य कर्मी अभी तक मुआवजा नहीं मिला अध्यक्ष महोदय, और सरकार और तो और खून बेचने का भी काम अब सरकार करने लगी अध्यक्ष महोदय। तो मुझे पता नहीं कोरोना कौन लाया थे, तो मैं नहीं कहूंगा अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं इसी पर सोच रहा हूं कि कह दू, इसी पर मैं कह दू कि क्यों ऐसा हो रहा है अध्यक्ष महोदय। तो हमारे एक भाई है, छोटा भाई, भतीजा, मैं नहीं जानता हूँ क्या समस्या, मैं नहीं जानता, वैसे मैं प्यार से कहता हूँ भमक जाएंगे हो सकता है यहाँ सदन, बाहर में कहते हैं तो हंस के खुश होते हैं, यहाँ कहूंगा तो भाई वैसे हम प्यार से पप्पू कहते हैं इनको अध्यक्ष महोदय। अब इनका क्या है, आप क्यों बैठे, अरे आपका नाम नहीं लिया, आपका नाम नहीं लिया है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया भाई, नाम नहीं लिया है, हमने किसी का नाम नहीं लिया,
चलिए सीपी बाबू को धन्यवाद दीजिए कि कम से कम वित्त मंत्री एक घूट पानी का सहारा लेना पड़ा था और इनको पानी का भी सहारा नहीं लेना पड़ रहा है। बच्चे चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, तो एक हमारे जिनके बाद हमने कहा कि हम प्यार से पप्पू बोलते हैं, मन में बीच बीच में स्वास्थ्य मंत्री बनने का हिचकोला मारता है, स्वास्थ्य मंत्री बनने का अध्यक्ष महोदय, और वो गाते रहते हैं। क्या गाते हैं? हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, गैरों की बात नहीं है ये किस्सा है अपनों का। माननीय अध्यक्ष महोदय, और यही कारण है कि सरकार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, अभी कहीं चिंतन शिविर हुआ था अध्यक्ष महोदय, 3 दिन का चिंतन शिविर, तो मैं फेसबुक पर देखा अध्यक्ष महोदय, हमारी माननीय हमारी बेटी के समान दीपिका पांडे जी हैं, इनके माता पिता से मेरा अच्छा संबंध है अध्यक्ष महोदय, और हमारे छोटे भाई बन्ना गुप्ता जी का भी उद्गार को मैंने सुना अध्यक्ष महोदय, मैंने उन्हीं से नोट किया अध्यक्ष महोदय, उसी फेसबुक से नोट किया। तो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री क्या कहते हैं अध्यक्ष महोदय, मंच मझधार में नैया डोले, मझधार में नैया डोले तो मांझी पार लगाए, मांझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक हिस्सा है, एक हिस्सा है कुर्सी का अध्यक्ष महोदय, आपने 1977 में याद किया होगा, उस समय सरजू राय जी बेहतर जानते हैं किस्सा कुर्सी का अध्यक्ष महोदय। तो ये है किस्सा अध्यक्ष महोदय, अब क्या है कि ये जुआ विरोधी सरकार है अध्यक्ष महोदय, जुआ मुख्यमंत्री और जुआ विरोधी सरकार, जुआ युवा यंग विरोधी सरकार। हमको तो इस समझ में नहीं आता है अध्यक्ष महोदय, पता नहीं क्या परिपाटी है। मैं आपसे अध्यक्ष महोदय एक सवाल करता हूं, क्या आपने मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत है अध्यक्ष महोदय? क्या हमारे नरेंद्र सोरेन जो सबसे वरिष्ठ विधायक है अध्यक्ष महोदय, नरेंद्र सोरेन जी सबसे वरिष्ठ विधायक हमारे, अध्यक्ष महोदय नलिन सोरेन जी आप देखते होंगे, मुझे लगता है कि सब में सबसे ओबीडियंट नलिन, नहीं मैं तो नहीं हूं, मैं माफ कीजिएगा मैं नहीं हूं, हमें कमियां हैं मैं स्वीकार करता हूं, नलिन सोरेन जी अध्यक्ष महोदय सबसे ओबीडियंट, देखिएगा चुपचाप टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। स्टीफन मरांडी तो ऐसे मारे गए गुलफाम, ऐसा संटिक में डाल दिया इनको, सोचिए इतना सीनियर आदमी, ये लोग संस्थापक में से अध्यक्ष महोदय, चंपई सोरेन जी, मथुरा महतो जी कभी कभी 0 आवर बोल देते हैं अध्यक्ष महोदय, इस सब को इतना सीनियर लोग इसलिए नहीं बना के लोग माननीय गुरु जी को पिता तो मानते हैं, लेकिन असली पुत्र तो हेमंत सोरेन है जी। माननीय गुरु जी का हम सब सम्मान करते हैं, और आज से नहीं करते हैं अध्यक्ष महोदय, जब झारखंड की लड़ाई वो लड़ रहे थे तो मैं भी वनांचल की लड़ाई में शामिल था अध्यक्ष महोदय, वनांचल की बात करने वाले, वनांचल की लड़ाई लड़ने वालों में मैं भी था, एक सदस्य के रूप में, एक जुआ कार्यकर्ता के रूप में था अध्यक्ष महोदय, नामधारी जी के साथ
सबरेश सिंह के साथ, रितलाल प्रसाद वर्मा जी के साथ, ललित उराव जी के साथ मैं भी एक था अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय अब आपकी बात आपने जो कहा वो सही कहा भैया, मैं कहां कह रहा हूं, आप जो भी कहिएगा, आज के दिन हम सोच के आए हैं, पर्सनल टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, हाँ नहीं करेंगे। लेकिन लेकिन हमारे डॉक्टर ओराव साहब का बजट पर भी दृष्टिपात नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सरकार क्या कह के आई थी अध्यक्ष महोदय, 5 लाख नौजवान को प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे अध्यक्ष महोदय, ये झूठा वादा। शांति बनाए रखे आप लोग, सीपी बाबू का इतना मीठा भाषण में क्यों खलल पैदा कर रहे हैं, सपोर्ट करिए आप काय खलल पैदा कर रहे हैं, बोलिए सीपी बाबू। अध्यक्ष महोदय 20-25 मिनट पार हो गया आपका, और आपके पीछे और एक आदमी है, घबराना नहीं है, अपना समय है। नहीं ठीक है, चलिए। तो 5 लाख रोजगार का झूठा वायदा अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी भत्ता अध्यक्ष महोदय, बहुत से युवा पूछते हैं भैया चचा ये बेरोजगारी भत्ता कब मिलता है, अब बोले 5 साल बाद मिलता, 5 साल बाद मिलेगा, अभी नहीं मिलने जा रहा। हम सुने थे कि स्नातकोत्तर यानी पीजी वालों को 7,000, ग्रेजुएट को 5,000, एक भी नहीं मिला अध्यक्ष महोदय। अभी जो है गलत नियोजन नीति, अभी बार बार बता रहे थे नियोजन नीति लाइए, पहला को रद्द कर दिए, दूसरा कर बना नहीं रहे। अरे भैया 14 महीना पहले भी माननीय हेमंत सोरेन जी युवा मुख्यमंत्री थे, 2026 महीना अभी हो गया, यानी 40 महीना में एक नियोजन नीति नहीं ला सकते। कहा गया है ना, पूत का पांव पलने में दिख जाता है। अब आप लोग को लगता है मजबूरी भी है, मैं भी समझता हूं, हम भी दल में थे तो हमको भी मजबूरी सा होता है। अभी क्या हो रहा है देखो, कल मैं विधानसभा के अंदर बार बार फोन आ रहा था, पंचायत सचिव लोग बोल रहा था कि देखिए ना, मार के लाठी माथा फोड़ दिया है, हॉस्पिटल ले गए हैं, हम लोग को ध्रुआ थाना ले आया अध्यक्ष महोदय, पंचायत सचिव लोग करे। हाँ एक बात है अध्यक्ष महोदय, मैं तो पुलिस का बहुत सपोर्ट करता हूँ अध्यक्ष महोदय, हम तो उसके पीछे पागल रहते हैं अध्यक्ष महोदय। नहीं विधानसभा हंसने का बात नहीं है, विधानसभा के अंदर मैं उनकी मांग उठाता हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं कैबिनेट में बैठता था वहां भी लौटता था, इनके 13 महीने का वेतन मिलना चाहिए, लेकिन 13 अरे मिलने वाला नहीं है, हमारी सरकार ने दे दिया था। अब परफेक्ट जानकारी मत रखा कीजिए तो अच्छा है, 13 महिला का ऑलरेडी मिलता है, बोले जल्द मिलने वाला, देख लीजिए जरा सा, जब जानकारी रखते हो भाई, ये तो पिछली सरकार ने ही पिछली सरकार ने ही 13 महीना का दे दिया, जानकारी रखिए। चलिए अभी नया आया है, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से अनुबंध कर्मियों, सहायक पुलिस कर्मियों, पोषण सखी, आंगनवाड़ी, रसोईया, जल सहिया, पंचायत सचिव, स्वच्छ भारत मिशन आदि के नौकरियों को इन्होंने खत्म कर दिया अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार इस पर मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, ये चले थे 5 लाख नौकरी देने का वादा करके, लौटे रोजगार करने वालों को भी
बेरोजगार करके। ये स्थिति है अध्यक्ष महोदय। एक कविता लगता है आप ही का लिखा हुआ है। ये कविता का कोई कवि नहीं है, शायद आपका स्वरचना ही है। ये सब नहीं, हम उस पर नहीं जा रहा है, मतलब आपके अंदर में कवित्व है। सबके साथ बना बना जी, 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 जी। अब अध्यक्ष महोदय, पंचायत चुनाव नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं हुआ हम जानते हैं, बताएंगे नहीं। नहीं नहीं नहीं, पर्दे में रहने दो। महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, बाल संरक्षण आयोग, उपभोक्ता संरक्षण आयोग इत्यादि का गठन नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। और मुझे दुख इस बात का है कि दूसरे पार्टियों में भी हम लोग का बहुत मित्र लोग है, वो बेचारे मुंह पजाए हुए हैं। पलामू का भाषा है देखो, मुंह पजाना कि खाने को मिलेगा, कुछ कुछ मिलेगा, नहीं मिल रहा है देखो। सब परेशान है, सबको देखते हैं, घूमते रहता है इधर उधर। ये सरकार की उपलब्धियां क्या है अध्यक्ष महोदय? ऐसा नहीं है कि सरकार का हम सिर्फ विरोध करें, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। सरकार की उपलब्धि है अध्यक्ष महोदय, विधानसभा में नमाज कक्ष का आवंटन उपलब्धि नंबर वन, नियोजन नीति में हिंदी हटाकर उर्दू को देना, पथलगड़ी के सारे केस वापस, जाति प्रमाण पत्र हेतु समुदाय विशेष से सिर्फ हलफनामा, ये सब जो है सरकार की उपलब्धियां है अध्यक्ष महोदय। यानी तुष्टिकरण की प्रकाष्ठा हो गई अध्यक्ष महोदय। अब सवाल ये है अध्यक्ष महोदय, कहा गया है कि हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, लेकिन जब हाथ ही दर्द हो तो क्या कीजिए? माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं अपनी बात को, चूंकि हमारे दूसरे माननीय युवा सदस्य को भी बातों को रखना है। अरे कह रहे थे चर्चा चल रही थी, बेचारा डरते डरते अपनी बात को रख रहे थे, युवा पर आइए जाए नमूने भुला जा रहे हैं माननीय। हाँ, लोविंदा बड़ी सच बोलते हैं अध्यक्ष महोदय, मैं तो बड़ा इनसे मेरा लगाव है अध्यक्ष महोदय, पता नहीं उनका लगाव मेरे साथ है कि नहीं, मुझे नहीं पता। धोती नहीं, मैंने टाई कहा है कि मैं टाई अपनी ओर से दूंगा, और उन्होंने हमको कहा है कि धोती ला करके हमें, रंगीन धोती होली के पहले देंगे, मैं वही पहनूंगा होली में, ये वादा है हम लोग दोनों का। तो लोविंदा अभी बता रहे थे बहुत सी बात, तो लोविंदा थोड़ा दिल पर हाथ रख करके, हम बोलने के लिए यहां नहीं बोल रहे हैं, खाली इतने बोलिएगा, आदिवासियों की जमीन सबसे ज्यादा किसने लूटा? किसने लूटा? ये सारे के सारे मुद्दे उठते हैं अध्यक्ष महोदय। पिछली सरकार में भी ये मामले उठते थे अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री था अध्यक्ष महोदय, उस सरकार में भी उठते थे कि आदिवासियों की जमीन लुटा रहा। लूट कौन रहा है इसका पर्दाफाश कभी नहीं होता है। वाकई में आदिवासियों की जमीन के लूटने के प्रति इतनी चिंता है तो
तो सरकार को लिस्ट जारी करनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, लिस्ट जारी करनी चाहिए। चाहे आप बैठे हुए हम 82 विधायकों में से यदि किसी ने आदिवासी की जमीन को लूटने का काम किया है, तो मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि अगला सत्र जब भी हो, उस अगले सत्र में सदन के पटल पर यह रखा जाए कि आदिवासियों की जमीन को किसने लूटा। नहीं, मैं जानता हूं ये होगा नहीं, ये कभी खत्म होने वाला सिलसिला नहीं होगा। सारे के सारे लोग आंसू घड़ियालू आंसू बहाते रहेंगे आदिवासी के नाम का, आदिवासियों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाते रहेंगे अध्यक्ष महोदय, लेकिन उनके हित के लिए कोई काम नहीं करेगा। अभी कल मैं सुन रहा था भाषण, कल या परसों कोई बोल रहा था खुलो झानों के नाम पर हड़िया दारू खत्म हो गया। चलिए ना रांची में दिखाते हैं घुमा घुमा के आप, तो अपना गाड़ी से ले चलेंगे, रोड किनारे कहाँ कहाँ हड़िया बीच रहा है सबको दिखाएंगे। कहाँ खत्म कर दिए भाई, जंगल में। इस शहर वाला को काहे नहीं कर रहे हैं, कोई नाराजगी है उनसे? खाली नाम फूलो झानो के नाम पर 50,000, ये खाली किताब में लिख देने से अध्यक्ष महोदय, ये तो हम लोग के यहां भी होता था अध्यक्ष महोदय। 2016 में जब हम नगर विकास मंत्री के रूप में पढ़ रहे थे तो देखे कि वही वाला है, 17 में पढ़ रहे तो फिर वही वाला है, 18 वाला पढ़ रहे तो वही वाला है। इसका मतलब आप नकल नहीं किए थे, बाकी लोग नकल कर लिए। सबका वही हाल है, सबका वही हाल है अध्यक्ष महोदय। आप ही जो पढ़ते हैं ना, वो भी आप तो भी बनाइए के देता है अध्यक्ष महोदय। बिल्कुल बिल्कुल। अब वहां थोड़ा विवेक लगाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, लिखा है तो कहीं गलत तो नहीं है। एक बार हम रखे थे एक टाइपिस्ट को अध्यक्ष महोदय, एक बार क्या हुआ, बोला कि मैं सब जानता हूं, मुझे जाना था दिल्ली, तो मेरे पास एप्लीकेशन आता था अध्यक्ष महोदय कि रोड बना दीजिए, नली बना दीजिए, पानी करवा दीजिए, इलेक्ट्रिक लगवा दीजिए। तो मैं उसको समझाया, हम बोला कि 3-4 दिन के बाद दिल्ली से आऊंगा, आप ऐसा करो खाली अलग अलग इसको बना देना, सड़क कहाँ बनाना है, किस मोहल्ला में बनाना है, नाली कहाँ बनाना है, किस बनाना है। जब आए अध्यक्ष महोदय तो पूछे टाइप हो गया, बोला नहीं नहीं हुआ। बोले कितना हुआ होगा, तो 25% हुआ है। हमने रे इतना करने में 4 दिन में नहीं हुआ, तो दिखाया तो जानते क्या किया अध्यक्ष महोदय, वो पूरा एप्लीकेशन में को टाइप कर लिया। तो पहले चोरी करके जो लड़का पढ़ता था ना अध्यक्ष महोदय, तो पेज नंबर भी लिख देता है, इसका आंसर प्लीज सी पेज नंबर सो एंड सो। तो बात ऐसा है अध्यक्ष महोदय, जिसमें जरा सा भी नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो थोड़ा सा भी अपना दिमाग होगा अध्यक्ष महोदय करेगा। अध्यक्ष महोदय माननीय सीपी बाबू, अमित बार बार इशारा कर रहा है, समय देख रहा है, 2-3 मिनट चलिए चलिए। यदि आप ठीक नहीं, हमको दिक्कत नहीं, अमित आ गया हो तो 2-3 मिनट में ठीक ठीक समाप्त कर दीजिए। आप कंक्लूड की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा ना? आपका हर बात सलाह के रूप में लोग ले रहे हैं, क्योंकि आपका अनुभव है बहुत पुराना। नहीं नहीं, अरे आपका आपका जब होगा तो, अब हमको तो भैया भाटगिरी करना नहीं रहा है, ये उल्टा पुल्टा क्या हुआ भैया? अरे पहले राजा के समय अध्यक्ष महोदय हर दरबार में भाट लोग होता था, अध्यक्ष महोदय भाट मैंने कोई मैं अति नहीं कर रहा हूँ, वो दरबारी कहिए उसको क्या शब्द देंगे अब मैं नहीं समझ पा रहा, हो सकता है मेरे बोलने में कोई और कोई उचित वर्ड हो तो आप हमारा ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। हाँ
तो बात ऐसा है ना कि वहां पर ऐसा होता था, तो आजकल यहां भी हो रहा है ना अध्यक्ष महोदय, क्या कीजिएगा, जिस दल में रहेगा उसी का वही करेगा। अरे भैया सीपी सिंह पैदा लिया भाजपा में, हूँ भाजपा में और मरूंगा तो भाजपा में। उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीपी सिंह कुछ भी नहीं रहेगा, सीपी सिंह कुछ भी चलिए ओ आप बच्चे ना, अरे आपको बोल रहा है अकेले, आपको अकेले नहीं बोल रहा है, सीपी बाबू का बात कहाँ पड़ रहा है, सब लोग अपने अपने मन में सोच रहा है, आप क्या प्रतीत होता है भाई, चलिए अब उसके आप जाओ। हमारे माननीय विधायक इरफान जी है, उनके पिताजी हम लोग बिहार विधानसभा में साथ थे अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसको अब सोचना चाहिए, तो अब नहीं सोचता है तो हम क्या करें। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं ये कह रहा था, अब सभी माननीय सदस्यों के लिए कहूंगा, चाहे आप क्या बोल रहे नहीं सुनाई पड़ता, माथा चाट रहे बैठने, अब पता नहीं वो शॉर्ट वो जानते हैं, आप ही जानते हैं दोनों, मुझे शॉर्ट चलिए तो मैं यही कहूंगा अध्यक्ष महोदय कि आज के दिन व्यवस्था है हमारे माननीय वित्त मंत्री जी की व्यवस्था है, माननीय वित्त मंत्री जी की व्यवस्था है, उनको मिलता है पढ़ना है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रहता उनकी जगह पर तो मैं भी वही करता अध्यक्ष महोदय, लेकिन आम लोगों को एक मिनट लोबिंद हम खत्म कर रहे हैं, अब बोलिएगा हम बैठ जाते हैं, बोल लीजिए तो सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय लोबिंद। अध्यक्ष महोदय सीपी बाबू से कल हमारी भेंट हुई थी सदन में, इन्होंने दो तीन बार लोबिंदा तो फिर हम चुप रह गए, आज भी दो तीन बार बोले कि लोबिंदा। महोदय हमसे उनसे हम छोटे हैं कि बड़े हैं, और बार बार दादा बोलते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमसे बड़े वो है, हमको दादा बोल रहे हैं, ठीक ठीक और दादा बोल के पता नहीं क्या है, ऐसा है बहुत है, इसको डिसाइड कर दीजिए बड़े वो है कि हम बड़े। तो माननीय अध्यक्ष महोदय तो ये बजट पेश हुआ अध्यक्ष महोदय, पिछला बार भी हुआ था, उसके पहले भी हुआ था, ये तीसरा बजट है, और उसके बाद भी बोलते हैं खजाना खाली है अध्यक्ष महोदय, खजाना खाली रहता है इनका अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का खजाना खाली रहता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन BMW कार के लिए खजाना भर जाता है अध्यक्ष महोदय, मंत्रियों के लिए चमचमाती हुई फॉर्चूनर कार के लिए खजाना भर जाता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन आम जनता के कामों के लिए इनके पास राशि नहीं रहती है अध्यक्ष महोदय, बहुत सी चीजें हैं जो माननीय सदस्य कहेंगे, मैं तो आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता अध्यक्ष महोदय, मेरे पास आंकड़ों के लिए भी किताब है अध्यक्ष महोदय, मैं लेके आया हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता अध्यक्ष महोदय, जनता को क्या चाहिए अध्यक्ष महोदय, जनता को धरातल पर काम दिखना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे नहीं मतलब है, बहुत सी चीजों का मैंने बजट के अंदर देखा कि किया जा रहा है, अब किया जा रहा है क्या क्या अर्थ हुआ अध्यक्ष महोदय, पहले हम लोग विपक्ष में थे अध्यक्ष महोदय 14 के पहले तो मंत्री जवाब देते थे,
क्वेश्चन पूछता था विधायक लोग, अब टाइम दीजिए कितना दिन में कीजिएगा, तो बोलते थे शीघ्रता शीघ्र, एक वर्ड ईजाद हुआ था शीघ्रता शीघ्र, उसी टाइप का किया जा रहा है। अब किया जा रहा है कब तक होगा मुझे पता नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार अपने 26 महीने के कार्यकाल में नाकाम सरकार हर मोर्चे पर रही है। अध्यक्ष महोदय, एक मोर्चा भी आप नहीं बता सकते हैं कि उस मोर्चे पर ये सरकार कहीं भी सफल रही हो। आखिर क्यों? इसलिए कि जब बिना मेहनत किए हुए विरासत मिलता है, बिना मेहनत किए जब विरासत मिलता है अध्यक्ष महोदय, तो यही होता है अध्यक्ष महोदय। और इसीलिए मैं तभी जिक्र कर रहा था कि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर भी एक से एक हमारे वरिष्ठ लोग हैं जो कमान संभाल सकते थे अध्यक्ष महोदय, और झारखंड को बेहतर दशा और दिशा दे सकते थे अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज स्थिति क्या है? जुआ अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है अध्यक्ष महोदय। और इसीलिए राष्ट्रकवि दिनकर जी ने कहा था अध्यक्ष महोदय कि जो सत्य जानकर भी ना सत्य कहता है या किसी लोभ में दिवस मुक रहता है, धिक्कार है ऐसे पुरुषों का कुटिल विवाह को, धिक्कार है दिव्य जनों को इस प्रतिभा को। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में यही कहूंगा, कुछ लोग नारा लगाते हैं हेमंत है तो हिम्मत है, नारा लगाता कौन लोग लगाता है देखो, ये लगाता है हमारे यहाँ पर नक्सली भाई लोग, डकैत लोग, बलात्कारी, व्याभिचारी, जितना ऐसा हत्या लूट बलात्कार को करने वाला बोलता है हेमंत भैया है तो हिम्मत है। लेकिन मैं कहता हूं ये अंदाजे बयां मेरा नहीं, ये अंदाजे बयां मेरा नहीं, जनता की फरमाइश है। ये अंदाजे बयां मेरा नहीं, जनता की फरमाइश है। हेमंत है तो दिक्कत है, यह मैं नहीं कहता, आपके जमाने से यही, आपने जमाने से यही तारीफ पाई है। अंत में सिप्री बाबू, सिप्री बाबू, आप युवाओं पर तो ध्यान रखिए, आपका युवाओं का मैं दो भाग समय आप ले लिए, बेचारे का थोड़ा सा बचा है तो एक सेकंड में, सेकंड में, अरे थोड़ा रोक टोक भी होता रहता है ना, तो थोड़ा सा समय वा जोड़ दीजिए उसे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा अध्यक्ष महोदय, सभी के लिए कहूंगा, 82 के लिए इंक्लूडिंग सीपी सिंह एंड आल्सो इंक्लूडिंग यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा एकदम। आपका हर बात मैं ध्यान से सुनता हूँ। वैसे आप खुद विद्वान हैं जी? नहीं नहीं, मैं आपके साथ इस स्पर्धा कर ही नहीं सकता, लेकिन बात आपका मैं सुनता हूँ, प्रयास करता हूँ आपसे सीखने का। नहीं, मैं देख रहा था बीच बीच में इंग्लिश भी मैं आप बोल रहे थे डोंट मर मरी, कुछ लोगों के लिए कहा था डोंट मर मरी, तब सोचा कि सर आप भी जानते हैं, पढ़ा लिखा है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहूंगा सभी के लिए, समर शेष है, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याज, जो तटस्थ है, खास करके नलिन सोरेन जी और स्टीफन मरांडी, इन लोगों को देखते हैं ना सर तो बड़ी दया भाव आता है, तो पता नहीं कहा है, नहीं रियली बता रहे हैं, हम दिल पर हाथ रख के बोल रहे हैं, हम कोई मैंने हमारी भावना गलत नहीं है, आपको यदि ठेस पहुंचेगा तो माफ कर दीजिएगा, वाकई में बता रहे हैं।
नहीं, हम देखते हैं तो हमको बड़ा मन लगता है कि क्या कभी हुआ करता था वो दिन जब स्टीफन मरांडी साहब वित्त मंत्री हुआ करते थे, जब नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, आज कहां साइड में बैठा दिए गए। हम तो ठीक ठाक है, तो वही कह रहा था अध्यक्ष महोदय कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याप, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, और आप सबों को भी कि आप सबों ने मेरी बातों को गंभीरता पूर्वक सुना। माननीय सदस्य, तो मैं जब घर से चल रहा था अध्यक्ष महोदय तो मुझे डर लग रहा था कि हम जैसे खड़ा होंगे सब खड़ा होके बोलना ही नहीं देगा। माननीय सदस्य दीपिका पांडे सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सरकार द्वारा बहुमुखी विकास के लिए लाए